नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी दोस्त राशि। दोस्तों, देवी देवताओं के पूजन में आरती का महत्वपूर्ण स्थान है। आरती के बाद ही पूजन कर्म पूर्ण होते हैं। आरती के महत्व को देखते हुए दीपक तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि विधि विधान से दीपक तैयार किया जाता है तो देवी देवताओं की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी पूजा करते समय दीपक जलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, देवी देवताओं को घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर तथा तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर लगाना चाहिए। दूसरा, पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। तीसरा, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक ना लगाकर लोग इधर उधर दीपक लगा देते हैं, जबकि यह सही नहीं होता। चौथा, घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ मानी जाती है। पांचवा, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पूजा करते समय दीपक जलाते समय किन बातों का ध्यान रखें। अपनी समस्या और परेशानी को आज ही दूर करें चमत्कारी समाधान के टोटके और उपायों से। और चमत्कारी समाधान की बाकी वीडियो के लिए हमारे चैनल चमत्कारी समाधान को आज ही सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।